हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय एसवी एजुकेशन फॉर्मेशन चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस अपडेट में हम वेतन पर सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया नया आदेश, यहाँ पे फुल डिटेल्स हम आपको देने वाले हैं। वीडियो में लगातार बने रहिए। यदि आप चैनल पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि हमारी हर वीडियो को नोटिफिकेशन इजी से प्रोवाइड हो सके। पुरानी पेंशन योजना व 8वें वेतन आयोग पर नया अपडेट, सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया नया आदेश, यहाँ पर हम दिखाने वाले हैं आप। पुरानी पेंशन योजना OPS एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें सरकारी कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद आधे वेतन के बराबर पेंशन मिलती है। देश भर में इसे फिर से लागू करने की वेतन के बराबर पेंशन मिलती है देश भर में इसे फिर से लागू करने की मांग बढ़ती जा रही है और कई राज्यों में कर्मचारी संगठनों ने इसे लेकर के बड़ी स्तर पर जो है प्रदर्शन शुरू कर दिए हैं। और पहले जहां आंदोलन समिति संख्या में जो है होती थी, बिल्कुल थोड़ी संख्या में होती थी, अब हजारों की संख्या में कर्मचारी एकजुट होकर के अपनी आवाज़ बुलंद कर दी है। कर्मचारियों के इस बड़े आंदोलन को देखते हुए केंद्र सरकार ने एक नया प्रस्ताव पेश किया है। सरकार के ने एक जो है माध्यम रास्ता सुझाते हुए कहा है कि कर्मचारियों को OPS की सरकार के माध्यम से रास्ता सूझते हुए कहा है कि कर्मचारी को OPS की तरह हर महीने जो है नियमित रूप से जो है पेंशन तो मिलेगी ही, लेकिन यह पेंशन थोड़ी कम होगी। हालांकि इस प्रस्ताव का उद्देश्य सरकारी बजट को संतुलित रखना है और कर्मचारियों की लंबे समय से चली आ रही मांगों को भी आंशिक रूप से पूरा करना है। सरकार और कर्मचारियों के बीच में इस मुद्दे पर अभी भी चर्चा जारी है। देखते हैं कि आने वाले दिनों में जो है इस पर जो है कोई अंतिम निर्णय निकलता है या नहीं, लेकिन यह साफ है कि OPS को लेकर के कर्मचारियों की मांग दिन प्रतिदिन जोर पकड़ रही है। नई पेंशन योजना के नुकसान और पुरानी पेंशन योजना के फायदे। कर्मचारियों का मानना है कि नई पेंशन योजना NPS की तुलना में पुरानी पेंशन योजना OPS अधिक लाभकारी थी। NPS के कर्मचारियों को कोई ऐसी समस्या का सामना करना पड़ जाता है जिससे कि OPS में राहत मिलती थी। नई पेंशन योजना के नुकसान, कम लाभ। NPS में पुरानी पेंशन योजना की तुलना में कम पेंशन मिलता है जिसमें जो है कर्मचारियों को आर्थिक सुरक्षा की कमी महसूस होती है। भविष्य की असुरक्षा, कर्मचारियों को लगता है कि NPS में उसका भविष्य पूरी तरह से सुरक्षित नहीं है क्योंकि ये शेयर बाजार के जो है प्रदर्शन पर निर्भर करता है। और NPS में रिटायरमेंट के बाद जो है मिलने वाले पैसे के पर टैक्स देना पड़ता है जिसमें जो है मिलने वाली राशि में कटौती हो जाती है। पुरानी पेंशन योजना के लाभ, आधा वेतन और OPS के तहत रिटायरमेंट के बाद सरकारी कर्मचारियों को उनके वेतन का आधा हिस्सा पेंशन के रूप में मिलता है जो कि उन्हें आर्थिक सुरक्षा प्रदान करता है। महंगाई भत्ता, पुरानी पेंशन योजना के कर्मचारियों को महंगाई के हिस्सा से साल में 2 बार महंगाई भत्ता DA बढ़ोतरी का लाभ मिलता है। और बता दें कि यहां पर आय की सुरक्षा, OPS में सेवानिवृत्त कर्मचारियों को आय की कोई चिंता नहीं रहती है क्योंकि उन्हें नियमित और निश्चित पेंशन मिलती है। पुरानी पेंशन योजना के लिए पात्रता मानदंड क्या होना चाहिए? पुरानी पेंशन योजना OPS का लाभ लेने के लिए कुछ विशेष पात्रता मानदंड निर्धारित किए गए हैं और इस योजना के तहत केवल उन्हीं कर्मचारियों को लाभ मिलता है जो कि 1 अक्टूबर 2005 से पहले नियुक्त हुए हैं। और इनके अलावा कुछ अन्य महत्वपूर्ण पात्रता शर्तें भी हैं जो निम्नलिखित हैं। पात्रता मानदंड क्या है? तो 1 अक्टूबर 2005 से पहले नियुक्त कर्मचारी, केवल वे सरकारी कर्मचारी जिनकी नियुक्ति 1 अक्टूबर 2005 से पहले हुई है और इस योजना के तहत पात्र हैं। 10 वर्ष से अधिक सेवा देने वाले जो है सेवानिवृत्त शिक्षक जो कि 10 वर्ष की सेवा पूरी कर चुके हैं और सेवानिवृत्त हो चुके हैं और वे जो है पुरानी पेंशन योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। 2005 के बाद से नियुक्ति कर्मचारी, 2005 के बाद जो है नियुक्त होने वाले कर्मचारियों को इस योजना का जो है 2005
2005 के बाद नियुक्त कर्मचारी 2005 के बाद नियुक्ति होने वाले कर्मचारियों को योजना का लाभ नहीं मिलेगा। उन्हें जो है नई पेंशन योजना NPS के अंतर्गत ही पेंशन प्राप्त होगी। ये पात्रता जो है मानदंड पुरानी पेंशन योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण है, जिन्हें यह स्पष्ट होता है कि किसी भी सभी प्रकार के सरकारी कर्मचारियों का लाभ उन्हें नहीं उठा सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से हमारे चैनल लगातार बने रहने के लिए तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू।